उदयपुर के आयर क्षेत्र के छीपा मोहल्ले में चाकूबाजी की वारदात हो गई है। देवर ने भाभी को चाकू मार दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। घायल को उपचार के लिए एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी ने ऑटो में बैठी भाभी पर ताबड़तोड़ वार किए। सूचना पर पहुंची पुलिस और पुलिस घायल के बयान लेने पर आरोपी की तलाश में जुट गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भगवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भगवान, यहाँ पर देवर के द्वारा भाभी को चाकू मार दिया गया, घटना के पीछे के क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ है ये पूरा मामला, जानकारी दीजिए। अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि देवर ने जो चाकू मारा है भाभी को, उसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा, लेकिन ये बात मानी जा रही है कि जो पारिवारिक झगड़े थे उसमें ये घटना हुई है। घटना के बाद एक देवर ने अपनी भाभी को चाकू मारा है, घटना के बाद देवर फरार हो गया। वही दूसरी ओर जो मौके पर लोग मौजूद थे उन्होंने घायल मीणा को भर्ती करवाया अस्पताल में और अब उसका इलाज जारी है। वही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस पर मामले में आज जो है देवर की तलाश शुरू की है। पुलिस का मानना है कि जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन किस तरह घटना हुई, किन द्वारा घटना हुई और ऑटो में जब पानी सवार थी तब देवर ने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद कहीं कहीं जो है पुलिस की गाड़ी चलाने के सवाल लड़ते दिखाई दे रहे हैं। भगवान, परिजनों से कुछ बात हो पाई है? परिजनों का क्या कुछ कहना है? पुलिस की जांच अभी तक कहां पहुंच पाई है और साथ ही जो भाभी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? परिजनों की बात करें तो परिजन अभी उस शायद महिला उसका इलाज करा रहे, उनका कहना है इलाज के बाद बात की जाएगी, लेकिन कई दिन जो है पुलिस जो है पुलिस ने प्राथमिक रूप से परिजनों से बात की और पुलिस ने पुष्टि की है कि दोनों के बीच पहले कुछ झगड़ा हुआ था, उसके बाद इस तरह घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस जो है आरोपी की तलाश कर रही है। जी भगवान, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।